हेलो गाइस, राम राम सभी को। राम राम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के नहा धो के पूरे 10 मिनट के अंदर हम अपना गाड़ी में बैठ चुके हैं। हमने जाना है आज कोलंबो मॉल, क्योंकि आज वहाँ है ये लगा लो कि सेल लगी हुई है। तो इस चक्कर में हम सुबह सुबह निकल चुके हैं 9:30 बजे। तो बस हम सीधा वहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी 9 बजे उठा था। तो जल्दी जल्दी हम तीनों भाई तैयार हो गए, एक भाई साथ में बैठे, एक भाई निकल चुके हैं जल्दी जल्दी में वो भी। तो अभी हम जा रहे हैं और यहाँ से बारको पे, बारको से आगे फिर मेट्रो में जाएंगे। तो अभी मिलते हैं आपको सीधा बारको पहुँचने के बाद। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपना बारको स्टेशन पे। और आज हम कोलंबो मॉल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज है ब्लैक फ्राइडे। मतलब ब्लैक फ्राइडे पता नहीं, मैं भी साल में एक दो बार आता होगा, जब भी आता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो पहली बार ही जा रहा हूँ यहाँ पे। बाकी अब तक तो आइंदा भी आया मेरे, मतलब कि पूरे यूरोप में मुझे तो अभी पता लगा इतने महीनों में। तो मतलब ब्लैक फ्राइडे वाले दिन सेल लगती है यहाँ पे, मतलब सामान सस्ता मिलता है बहुत कुछ ज़्यादा। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं यहाँ पे अंदर। तो गाइस, शिप में से उतरने के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ से मेट्रो में। तो हम सीधा आपसे मिलते हैं, आप सीधा कोलंबो मॉल पहुँच कर ही। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं अपना कोलंबो मॉल और अब हम जा रहे हैं एक जेडी का शोरूम है, क्योंकि जो एक भाई है वो वहीं पे पहुँच चुके हैं पहले ही। तो हम सीधा वहीं जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपको वहीं, आप सीधा जेडी में जाकर ही। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपना जेडी शोरूम में। तो जो अपने भाई है वो यहीं पे हैं इस टाइम। चलो मिलते हैं उनसे, देखते हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं। बाकी यहाँ पे कुछ ब्लैक फ्राइडे सेल डिस्काउंट लगा हुआ है, ये नहीं है। और ये बैठ के अपने हिसाब से चेक कर रहे हैं। तो भाई, सारी जगह घूम फिर के अपना एडिडास, जेडी, रिबॉक, स्केचर्स, मतलब सारी जगह घूम के हमको बस आज एक ही चीज़ देखी है कि इन्होंने डिस्काउंट सिर्फ उन चीज़ों पे लगा रखा है। या तो उनके पास इनके साइज़ नहीं है, मतलब बड़े साइज हैं सिर्फ, जैसे एक ही साइज जिसका रह रखा है, या जो इनके बिकते नहीं, जो मतलब लोगों को पसंद नहीं आते। जो लोगों को मतलब जो अच्छे लगते हैं, जो पसंद आते हैं, उनका रेट वही रखा हुआ है, सिर्फ डिस्काउंट उन्हीं पर लगा रखा है जिनका मतलब कि जो बिकते नहीं इनके, या उनमें कुछ कमी पैसी है, या मतलब साइज नहीं है उनके, सिर्फ उन्हें पे ज़्यादा डिस्काउंट लगा रखा है। हमने ज़्यादातर मतलब शूज ही देखने थे, भाइयों ने लेने थे जो, तो हमने सिर्फ शूज ही देखे, ज़्यादातर हमने कुछ देखा नहीं, क्योंकि जो चीज़ लेनी है उसको देखने कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी हमने सिर्फ जो चीज़ हमने देखी है सारी जगह हमने जाकर देखा, जेडी हो गया, टिम्बरलैंड हो गया, एडिडास, रिबॉक, सारी जगह हमको सिर्फ एक ही चीज़ देखी कि हाँ जिसका साइज नहीं है, जिसका साइज है, और जो मतलब पसंद ही नहीं आया हमको,
ऐसा होता नहीं कि चलो कोई चीज़ लगी है उसमें या तो साइज मिल जाए या हमको पसंद आ जाए, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे अलग अलग जो सेल लगती है चलो तो सेल में होता है उसकी सब पे सेल लगे, अगर डिस्काउंट लगने तो सब पे लगना चाहिए। जैसे ब्लैक फ्राइडे अगर ये मना रहे हैं तो उसको अच्छे से मनाएं कि हर एक चीज़ पर डिस्काउंट लगाएं, बस इन्होंने किसी पर भी नहीं लगा रखा है, किसी पर भी, ठीक है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर लगा रखा है जो नहीं बिकने, सोचे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी हम घूम फिर के आके सारी जगह बैठ के अब हम आए हैं मॉल के अंदर ही मिस्टर पिज़्ज़ा पे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, मेरे बिल्कुल सामने है, हमने ऑर्डर कर रखे, वो भी दिखाता हूँ। तो गाइस ये है मिस्टर पिज़्ज़ा, उसमें हम कोलंबो मॉल के अंदर ही वॉक टू टॉक है, इधर भी और भी हैं, मतलब मैंने इन्होंने ना स्पेशल भाइयों ने स्पेशल मेरे लिए जो है ये अपना क्या कहते हैं वेजिटेरियन जो है पिज़्ज़ा वो ऑर्डर किया है, वो भी इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ वेजिटेरियन ही खाता हूँ। पहले हम KFC में गए, ठीक है, उन्होंने KFC में देखा कि कुछ तो वेजिटेरियन मिला, बट उसमें सिर्फ क्या था एक फ्रेंच फ्राइज वेजिटेरियन थे जो भी था। तो इस चक्कर में फिर हम गए अपना नगड़ी में, वहाँ से बर्गर था, तो ये कहते बर्गर नहीं खाना पिज़्ज़ा खाना है। तो अब हम आए मिस्टर सिंह पे, नहीं मिस्टर पिज़्ज़ा पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया ऑर्डर, बाकी भाई और अभी गए हुए हैं नीचे अपना एप्पल केयर पे, क्योंकि भाई के फ़ोन में मतलब चार्जिंग कुछ इशू आ रहा था, तो मैं नीचे केयर में गए हुए इस टाइम। और बाकी मैं फिलहाल बैठा हूँ यहाँ पे अपना केयर पे, भारी है ये, आप लोग देख ही रहे होंगे, इसमें मैं बैठा हूँ और बस वेट कर रहा हूँ। जो मैंने अभी आपको दिखाया था एक ये चीज़ है, जब भी हमारा ऑर्डर तैयार हो जाएगा तो ये बर्गर हो जाएगा, जैसे कि हो चुका है। तो अब मैं जा रहा हूँ ऑर्डर लेने के लिए। तो गाइस पिज़्ज़ा अपना आ चुका है, मतलब बहुत सबसे बड़ा लार्ज पिज़्ज़ा, आप देख ही रहे होंगे कितना बड़ा है ये, ठीक है ना, बहुत बड़ा है ये, नहीं कि पास से दिखा रहा हूँ मैं, दूर से देखोगे बहुत बड़ा पिज़्ज़ा है। चलो अब इसको खाते हैं, भाई को करता हूँ फ़ोन, तो मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस पिज़्ज़ा पूजा खाने के बाद अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, मैं सीधा जाऊँगा अपना घर पे, और घर पे या सीधा देखता हूँ सीधा कोचिंग सेंटर यहीं से, क्योंकि कोचिंग सेंटर में भी जाना है। और फिर भाई अपना कहाँ गए, उन्होंने अपना काम पे, मे बी वो टॉयलेट में चले गए हैं। तो अब मैं सीधा निकलते हैं यहाँ से, तो मिलते हैं आपको सीधा घर पहुँचने के बाद, घर पे या जहाँ भी जाऊँगा या सीधा कोचिंग सेंटर पे, जैसे भी होगा, तो मिलते हैं सीधा वहीं पे। तो गाइस वहाँ से मैं आ चुका हूँ अपना सिक्स स्टेशन पे कोलंबो मॉल से, और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा अपने घर की तरफ, नहीं घर नहीं, मैं सीधा कोचिंग सेंटर पे जाऊँगा, क्योंकि टाइम 1:34 हो चुके हैं और यहाँ से अभी मेरे को 15-20 मिनट लगने हैं फिर आके, मतलब अगर मैं सीधा वहाँ तक जाऊँगा तो मतलब 2 बज ही जाएंगे, मुझे टाइम हो जाएगा। बाकी जिद भी 1:55 पे है, तो जैसे बात है मुझे सीधा वहीं जाना पड़ेगा कोचिंग सेंटर पे ही। तो भाई सिप में से उतरने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा सीधा अपना कोचिंग सेंटर पे, क्योंकि टाइम पूरे 2 बज चुके हैं और यहाँ से भी जो बस जाएगी 2:15 पे जाएगी, तो मे भी 2:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ अपना बस में, तो निकल चुके हैं यहाँ से, तो अब मैं सीधा आपको मिलूँगा सेंटर के पास पहुँच के बस से उतरने के बाद। तो गाइस बस में से उतरने के बाद अब मैं सीधा जा रहा हूँ अपना कोचिंग सेंटर की तरफ, टाइम भी 2:35 हो चुके हैं, लेट हो चुका हूँ मैं, तो अब मैं सीधा मिलता हूँ क्लास के बाद ही, दौड़ दौड़ के चल रहा हूँ मैं, थोड़ा दौड़ के चलते हैं नहीं थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो भाई जैसे ही आप लोगों को पता था कि आज मैं कुछ लेके नहीं आया, तो मैडम ने मुझे ये दिया और ये मतलब ब्लैक पेपर, in English
तो गाइस क्लास से फ्री होने के बाद मैं निकल चुका हूँ अपने घर की तरफ। तो अभी बाकी जो आज मैडम ने मुझे डॉक्यूमेंट दिए थे, मतलब पेपर लिखने के लिए, और जो सेट दिया था एक, जैसे मतलब अपना कुछ मतलब डेली की जो अपनी क्लास होती है उसमें जो कुछ समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसमें बस एक्सरसाइज बुक लगा लो, ठीक है, वो मिलती है हर हफ्ते। तो वो भी मिली थी आज, तो वो मैंने अपने दोस्त को दे दी है, तो कल आके उनसे ले लेंगे। तो भी मैं जा रहा हूँ घर पे, तो देखते हैं घर जाके खाने पीने की तैयारी, तो मिलते हैं पहुँचे जा घर पहुँच कर ही। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ घर पे, और अब देखते हैं कुछ खाने पीने का करते हैं इंतजाम, ठीक है। तो अब कुछ बनाएंगे तो दिखाएंगे आपको। तो भाई आज हम बनाएंगे दाल, और दाल बनाने के लिए मसाले में पहले मैं तड़का प्याज भून लूँ फिलहाल। तो मैंने जीरा और उसका धनिया डाला और उसके बाद प्याज, प्याज को भून लेते हैं। और इसमें कुकर में है दाल। तो भाई दाल अपनी बन के हो चुकी है रेडी, और अब बनाते हैं रोटी। तो गाइस खाना खुना बनाने के बाद दाल बनाई है मैंने और रोटी भी। तो अभी हम इसको खा लेते हैं, क्योंकि दो भाई थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, उनकी थोड़ी तबीयत डाउन है। तो दाल मैंने बनाई है और रोटी उसे मैंने बनाई है, मतलब मैंने तो। और अब क्या है, इनको खा लेते हैं, तो मिलते हैं रोटी खाना खाने के बाद। आप भी आ जाओ खाना खा लो। तो भाई खाना बना के खाना खुना खाने के बाद अब बस सोने की तैयारी है। और आज का जो अपना मेन था वो था ब्लैक फ्राइडे का, उसमें कि आज मतलब कि हम कुछ खरीद कर लाएंगे, ऐसा कुछ था। बट हम जब सुबह गए तो हमने देखा कि वहाँ पे, मैंने आपको दिखाया था, बताया भी था पहले भी, कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर सेल लगा रखी थी, जो कि मतलब कि या तो साइज उनका एक ही था या जो उनके बिक नहीं रहे थे, मतलब जो देखने मतलब लुक वाइज भी पसंद नहीं थे वैसे भी। तो फिलहाल आज के लिए अपना इतना था, तो अब मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।